और जैसा आपने जिक्र किया अपने शुरुआती कमेंट में कि बैंकिंग सेक्टर में दबाव के पीछे एक खास कारण था कोटक का आज फिसलना, तो उस पूरे मामले को आपने कैसे देखा समझा? मतलब जितनी बातें सुनने को मिली उसका निष्कर्ष आपकी नज़र में क्या है? देखिए राजीव जी, बहुत ज्यादा क्लोजली तो मैंने फॉलो नहीं किया, मैंने भी जस्ट सरसरी देखा। हिंडनबर्ग ने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं, फिर कोटक का भी क्लेरिफिकेशन आया है, तो इन सब मामले का ओवरऑल बाजार पे कुछ रिएक्शन नहीं लगता। बट ठीक है, जब दे कैन नॉट बी स्मोक विदाउट फायर, तो बाजार तो एनालाइज या उस पे डिटेल्स या जो तहकीकात करनी होती है वो बाद में करता है, पहले स्टॉक गिर जाता है, तो ऐसा आमतौर पे देखा गया। वही आज कोटक के साथ हुआ। आई थिंक थिंग्स वुड गेट क्लियरिफाइड इन द डेज टू कम। बाकी आई डोंट सी कि इट्स गॉट मच टू डू, अपने बाजार को कुछ इससे इशू होगा या बैंकिंग या इवन कोटक को भी कोई बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता इसका असर पड़ना चाहिए। स्टॉक वुड बाउंस बैक। जी, लेकिन मतलब अगर आप इस एक बात को ही समझना चाहें कि भाई एक ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर बनाया गया, एक इन्वेस्टमेंट पार्टनर था हिंडनबर्ग का जिसने अदानी के शेयरों को शॉर्टिंग की, और वो जो इन्वेस्टर पार्टनर था हिंडनबर्ग का वो कहीं ना कहीं मतलब ये जो कोटक ग्रुप की तरफ से क्रिएटेड एक ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर का कहीं उसने यूज किया, तो मतलब कोई सीधा ताल्लुक जुड़ता है क्या? देखिए राजीव जी, इस इश्यू पे बहुत ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, बिकॉज मैंने बहुत बहुत क्लोजली इसको स्टडी नहीं किया। ये ड्यूरिंग मार्केट आवर्स था, जी मुझे लगा जी शाम मैं को समझ देखें। सकता हूँ, इन चीजों पर बोलने से पहले मतलब काफी गहराई से देखना जरूरी होगा, लेकिन आपके पास क्लाइंट्स के सवाल आ रहे होंगे कि भाई कोटक में करना क्या है आप? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे एक्चुअली कोटक को बहुत ज्यादा हमारे रडार पे भी नहीं था। विद इन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस मुझे आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो उस लिहाज से ऐसे कोई कोटक पे ज्यादा कुछ फोकस था नहीं। ठीक है।